हाय, मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है। आज मेरे लाइफ पेज में आपका स्वागत है। मेरा जो टॉपिक है आज का वो है फ्लोरिस्ट्री, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने बीएससी और पीएचडी की जो डिग्री है वो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से की है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी, हिमाचल प्रदेश। एमएससी किया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से, और सन 2000 से मेरी इस पे पोस्टिंग हुई है एज असिस्टेंट फ्लोरिकल्चरिस्ट, और 18 साल से मैं इस जॉब में कार्यरत हूं। तो फ्लोरिस्ट्री का मतलब है कि फूलों को प्रोड्यूस करना, उनका ट्रेड, उनकी अरेंजमेंट, उनके डिजाइंस, तरह तरह की फ्लोरल डिजाइंस और उनके बास्केट्स बनाना, फ्लावर अरेंजमेंट्स करना, उनकी सेल करना और डिलीवरी करना। फ्लोरिस्ट्री एक फ्लोरिकल्चर से ही निकली है ये टर्म। अब एक बार जैसे फूल काट दिए, फूलों को स्टोरेज करना है, फूलों की ग्रेडिंग, ग्रेडिंग यानी उन्हें डिफरेंट साइज के हिसाब से और उनकी जो स्टेम लेंथ है उनके हिसाब से उनका ग्रेड किया जाता है। कुछ को 30 सेंटीमीटर्स या 60 सेंटीमीटर्स और 90 सेंटीमीटर्स के हिसाब से अलग अलग उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, उनकी ग्रेडिंग की जाती है। देन अकॉर्डिंग टू फ्लावर साइज भी होता है कि हमें उसको किस बोके में, किस तरह के अरेंजमेंट्स में उनको इस्तेमाल करना है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में पोमेंडर्स आते हैं, पॉट प्यूरीज आती है। पॉट प्यूरीज यानी कि ड्राई फ्लावर्स ही हैं जिनको कि सुंदर सुंदर उसमें केसेस में डाल दिया जाता है और उसमें कुछ एरोमास डाल दिए जाते हैं जिससे कि वो सेंटर टेबल डेकोरेशंस के काम आते हैं। इसी तरह से आजकल इन सब चीजों का बहुत ही चलन बढ़ गया है। जैसे बड़े बड़े शहरों में स्पेस कम हो गया है तो पॉल्यूशन ज्यादा है, और अगर फ्लोरिकल्चर को अपनाते हैं, फ्लोरिस्ट्री को अपनाते हैं या इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो एक तो इको फ्रेंडली है, कनेक्शन विद द नेचर है, तो हेल्दी रहेंगे, सेफ एंड साउंड रहेंगे, कोई बीमारियां नहीं होगी इससे। फ्लोरिकल्चर एक पैरिशेबल आइटम्स के अंतर्गत है, जैसे कि ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही इसको फील्ड से हार्वेस्टिंग किया इसका तो फूल खराब होने लगते हैं। तो इसमें जरूरी है कि जो भी इसको इसकी ऑप्शन ले रहा है या कर रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर नॉलेज हो कि किस टेम्परेचर में फूलों को स्टोर करना है, उनकी पैकिंग करनी है, उनको सेफ गार्ड करके रखना है ताकि वो लंबे समय तक वेज लाइफ उनकी जो लंबी हो। जो भी फ्लोरिस्ट बनना चाहे उसको सुबह एक तो जल्दी उठना पड़ेगा, सबसे पहले उसको मार्केट से जो फ्रेश फ्लावर्स है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे और उनकी अरेंजमेंट, उनकी ग्रेडिंग, पैकिंग ठीक से करनी पड़ेगी। फिर आके उसे सोचना होगा कि किस तरह के अरेंजमेंट्स बनाने हैं, कौन सी एक्सेसरीज उसमें यूज करनी है ताकि जो उसके फ्लोरल बुकेज हैं वो सुंदर बने। और अगर ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स करनी है वो दिन में वो कभी भी नहीं कर सकता है। अगर फॉरेस्ट शॉप है तो उसकी सारी व्यवस्था करनी है कि जो फ्रेश कट फ्लावर्स हैं उनको, उनकी क्लासिफिकेशन करके उनको स्टोर किया जाए। दूसरा, फिर कस्टमर्स भी सुबह ही आते हैं, जो भी है जिन्होंने मंदिरों में फूल चढ़ाने हैं वो मॉर्निंग में ही फ्लावर्स लेके जाएंगे या किसी ने गिफ्ट करने हैं तो, और वैसे भी सवेरे के टाइम पे फ्रेश रहते हैं। दिन के वक्त थोड़ा सा वो अपना जो इन्वेंटरी रजिस्टर्स वगैरह हैं या जहां पे कोई ऑर्डर्स वगैरह जो प्लेस हुए हैं उनका वो कर सकता है कि अगली जो उनके ऑर्डर्स है वो कैसे पूरे करने हैं। देन शाम के वक्त जो उसका दिन है वो फिर बिजी होता है, क्योंकि शाम के वक्त ही जैसे मोस्टली जो पार्टीज वगैरह होती है तो कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो फिर बिजी हो जाता है कि कैसे कस्टमर से डील किया जाए, उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उनके डिजायर्स के हिसाब से जो अरेंजमेंट्स बनाई जाए और कलर चॉइसेस के हिसाब से और डिपेंडिंग अपॉन कि उनके फूलों की क्या चॉइसेस है और डिजाइंस की भी क्या चॉइसेस है, उन सबको नजर में रखते हुए वो शाम को और भी बिजी हो जाता है। आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक फ्लोरिस्ट्री के बारे में आपको ब्रीफ मैंने ओवरव्यू दिया है जो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।